हाय गाइस दिस इज मी आनंद जैन वेलकम बैक टू एमसीक्यू मैराथन सीरीज सो ट्रीनोमेट्री का एमसीक्यू में हमारा ये पार्ट टू होने वाला है चलिए देखते हैं क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करना है कहाँ पर हम किस तरीके से ट्रिक्स यूज करेंगे किस क्वेश्चन के लिए ठीक है so, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियोज के लिए एंड शेयर करना मत भूलेगा एंड कॉमेंट्स कि आपको कैसा लगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो अगर हमारा ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब सिंपल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री ठीक है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है एक एक करके ना ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब इसके बाद आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे लाइक like, देखो अगर साइन ए है तो ये साइन बी के बराबर होगा क्या मेरे हिसाब से नहीं होगा क्यों क्योंकि खुद देखो गाइस अगर साइन ए है और इस साइन ए को अगर मैं चेंज करूं तो वो कॉस बी में चेंज होगा किसमें चेंज होगा बी में चेंज होगा मान लीजिए अगर ए बी नब्बे तीस तो है तो बी की वैल्यू साठ होगी क्योंकि क्या लिखूंगा साइन नाइनटी माइनस सिक्सटी तो साइन नाइनटी माइनस थीटाइज कॉस थीटा सो यह कॉस सिक्सटी में चेंज हो जाएगा तो अगर मेरे पास साइन ए दिया हुआ है तो यह कॉस बी में चेंज होगा तो यहां पर क्या है साइन ए साइन बी में चेंज हो रहा है तो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट अब इसी के बेसिस पे ऑप्शन नंबर टू भी एलिमिनेट कॉस होगा कॉस ए कॉस बी में चेंज नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया सेम टेन ए टेन बी में बदल रहा है टेन ए कॉट बी में बदलेगा लेकिन बदल किस में रहा है टेन बी में बदल रहा है

चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। वेरी इजी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू इफ एक्स साइन नाइंटी माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस नाइनटी माइनस थीटा देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज सो लेट सॉल्व इट एक्स साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉट नाइंटी माइनस थीटा इट्स कॉट

अब ध्यान से देखो ये कॉस ये कॉस कैंसल हो गया ये साइन मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया इधर बच गया एक्स और इधर बच गया वन तो एक्स इज इक्वल टू वॉट वन सो तो वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है सिंपल चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते लेट मी इरेज़ दिस सो दैट आई कैन सॉल्व हेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज

Cos 60 की वैल्यू होती है वन बाई टू साइंस सिक्सटी की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बाई टू एंड कॉट सिक्सटी वन बाई रूट थ्री ओके सो रूट थ्री एंड रूट थ्री गेट एलिमिनेट यहां पे टू डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू और ये टू एलिमिनेट इधर भी एक्स इज इक्वल टू वन आ गया तो क्या हमारा वन है सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओके let me raise so that i can solve the next question i hope you guys liked it so please subscribe kar dijiye and don't forget to share let's see now the question number 4 The value of tan one degree, tan two degree, tan three degree, and tan eighty nine degree. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान चीज बताता हूँ. कभी भी ऐसा कुछ मिले कि भाई tan one degree multiply में है tan two degree के, मल्टीप्लाई में है टेन थ्री डिग्री के अप टू अप टू है टेन एट्टी नाइन डिग्री ठीक है देखो ये पूरा ही सीरीज जो है ना ये वन आंसर देगा क्यों देगा ध्यान से देखो एट्टी नाइन है, है तो इस टेन वन डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉट एट्टी नाइन डिग्री इसी तरीके से टेन टू डिग्री है तो एट्टी नाइन डिग्री से पहले क्या होगा टेन एट्टी एट डिग्री तो टेन टू डिग्री को क्या लिख सकता हूं ट 88 डिग्री एंड सो ऑन ऐसे ही ऑन so यहां पे टेन एट्टी नाइन डिग्री तो कॉट 89 डिग्री को क्या लिखूंगा इसी तरीके से 88 को क्या लिखूंगा वन अपॉन टेन एट्टी एट डिग्री कॉट थीटा इज वन अपॉन टेन थीटा रेसिप्रोकल सो ऑन यहां पर होगा टेन एट्टी एट डिग्री इनटू यहां पे होगा टेन एट्टी नाइन डिग्री अब ध्यान से देखो ऐसे ही सारे ये एलिमिनेट हो गया ये इसको एलिमिनेट कर देगा ऐसे ही जितने भी बीच में होंगे वो सारे ऐसे ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे आंसर विल बिकम 1 बिकॉज़ यहां सारे एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं एंड आंसर एलिमिनेट हो करके क्या बन जाना है 1 तो हमेशा देखो कि भाई कहां पे खत्म हो रहा है ठीक है कहां पे खत्म हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आंसर इज 1 ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अगर नहीं तो आप थोड़ा सा बैक आकर के इसको दोबारा से देख लीजिएगा ओके okay? सो so, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट द वैल्यू ऑफ कॉस वन डिग्री कॉस टू डिग्री कॉस थ्री डिग्री एंड कॉस वन एटी डिग्री सो इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसमें भी आप वही ट्रिक यूज करेंगे लेकिन मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूं कॉस थ्री डिग्री अप टू अपू कॉस वन एटी डिग्री गैस ध्यान से देखिए जब हम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो कॉस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर सिक्सटी थर्टी समथिंग बीच में यही आने वाला है फोर्टी फाइव सिक्सटी के बाद सेवनटी सेवेंटी के बाद एट्टी एट्टी के बाद बीच में आने वाला है कॉस नाइनटी डिग्री क्यों क्योंकि कॉस एक सौ अस्सी तक गया है तो बीच में कॉस 90 भी आएगा और सब आपस में किस में है मल्टीप्लाई में कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो अब जीरो से आप आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए पीछे जो भी वैल्यू होगा जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए ओवरऑल आंसर क्या मिलने वाला है जीरो तो आपको चेक करना है कहीं इस सीरीज के बीच में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जीरो तो वैल्यू नहीं दे रहा अगर दे रहा है तो आंसर क्या होने वाला है जीरो ठीक है तो यही चीज आपको चेक करना तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपको समझ में आ गया चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते सो क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा ये शॉर्ट uh, हमारा टर्म है तो इसको अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया लाइक फोर क्वेश्चन तो इससे आप समझ सकते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है यही है हमें वैल्यू बतानी है तो अगर मेरे पास टेन टेन डिग्री है टेन फिफ्टीन डिग्री है टेन सेवेंटी फाइव है एंड टेन एट्टी डिग्री है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बहुत सिंपल है देखिए टेन टेन डिग्री को क्या लिख सकता हूँ कॉट एट्टी डिग्री ठीक है टेन नाइनटी माइनस थीटा इज कॉट थीटा सो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना टेन नाइनटी माइनस एट्टी डिग्री इस टेन टेन डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं और मुझे पता है कि टेन नाइन माइनस थीट एटी में बदल दिया ऐसे ही 10, 15 है तो इसको मैं फाइव में बदल दूंगा और इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा टेन सेवनटी फाइव डिग्री एंड टेन एट्टी डिग्री अब मैं जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो कॉट एटी डिग्री इसकी इसको क्या लिख सकता हूं वन अपॉन टेन एट्टी डिग्री ट थीटा इज वॉट वन अपॉन टेन थीटा इन टू सिमिलर कॉट सेवेंटी फाइव को लिख सकता हूं वन अपॉन टेन सेवेंटी फाइव डिग्री इन टू में टेन सेवेंटी फाइव इन टू में टेन एट्टी डिग्री ठीक है टेन एट्टी डिग्री टेन एट्टी डिग्री गॉट कैंसल टेन सेवेंटी फाइव डिग्री टेन सेवेंटी फाइव डिग्री गॉट कैंसल्ड ठीक है सो so, यहां से आपको क्लियर हो गया कि भाई सारा कुछ कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा वन तो सी इज द करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करेंगे अपना कॉमन सेंस तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या तो गलत कर देंगे तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कॉस नाइनटी माइनस थीटा को मैं यहीं पे सॉल्व करता जाता हूं कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट साइन थीटा साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा एंड टेन थीटा है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया टेन थीटा ठीक है 90 थीटा कोस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज व्हाट टेन थीटा ठीक है प्लस में टेन 90 माइनस थीटा 90 theta is cot theta और नीचे भी है हमारा तो प्लस में वन अब देखिए यहां जो साइन थीटा यहां कोसे यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे कैसे तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा के बराबर

मजा आया करके सो so, एक सेकेंड ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं ओके सो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कहता है कि अगर हमारा थीटा और थीटा और टू थीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री है मतलब नब्बे से छोटे हैं तो ये बताओ कि इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या आंसर दे सकते हो सिंपल करिए पहले इसको सॉल्व करते हैं हमें क्या दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तो सॉल्व करते हैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं या कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए चलिए इसको लिख सकता हूं साइन नाइनटी माइनस टू थीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री ओवरऑल ब्रैकेट क्योंकि तो कॉस थीटा कब आता है जब साइन 90 माइनस हो सिमिलर कॉस थीटा कब आता है जब साइन 90 माइनस हो थीटा सेम है बिल्कुल अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं यहां साइन यहां साइन तो मैं थीटा थीटा को कंपैरिजन कर लेता हूं और आगे सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस टू थीटा प्लस 45 डिग्री ये टू थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा तो थ्री थीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड 91 130 तो थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 12 3/5 50 तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री तो टेन थीटा निकालना है तो टेन 45 डिग्री टेन 45 की वैल्यू होती है वन, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपल क्वेश्चन था बस अप्रोच हमें थोड़ा सा सही लगाना था अगर अप्रोच सही लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा तो हर क्वेश्चन को हम अपने करेक्ट अप्रोच से कर सकते हैं अदरवाइज अगर हमने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया अप्रोच लगाने में तो हम फंस सकते हैं क्वेश्चन में आंसर गलत आ सकता है या आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा खतरा है ठीक है इसीलिए बच्चे डरते हैं तो हमेशा अप्रोच देखो कि क्या लगाना चाहिए ठीक है नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन सिंपल हमें वैल्यू पता है हमें इसकी वैल्यू निकाल के देनी है लाइक टू टेन थर्टी डिग्री वन प्लस टेन स्क्वायर इसको शॉर्ट में करते हैं दो तरीके हैं आप वैसे कर लीजिए मैं तो शॉर्ट कर दूंगा जैसे टू टेन थर्टी डिग्री है

तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय टू क्योंकि होल स्क्वायर था ये ऊपर जाएगा तो रूट थ्री ऊपर और 2 नीचे स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल 2 से 2 कैंसिल बचा रूट थ्री बाय टू ऑप्शन में है क्या नहीं हमें तो ए, एंगल्स दिए हुए हैं वो साइन कॉस टेन साइन तो किसकी वैल्यू होती है साइन थर्टी साइन सिक्सटी की साइन सिक्सटी इज वॉट रूट थ्री बाय टू सो साइन सिक्सटी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सिमिलर लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दी क्योंकि मुझे आइडेंटिटी याद थी आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रखते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता बस और कुछ नहीं अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री इसको सॉल्व करें तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आइडेंटिटी लगाऊं या ना लगाऊं क्यों क्योंकि मुझे फोर्टी फाइव की वैल्यू ही पता है वन होती है तो कुछ दिक्कत तो है होने वाली नहीं है क्योंकि ऊपर हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर नीचे हो जाएगा वन प्लस वन का स्क्वायर ऊपर जीरो आ गया नीचे कुछ भी आए टू आने वाला है तो टू आ गया तो ये हो गया बाई टू तो आंसर आने वाला है जीरो जीरो किसके वैल्यू के बराबर होता है साइन जीरो के बराबर साइन जीरो जीरो देता है तो करेक्ट आंसर इज सी सो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा समझ में आया होगा आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करते टाइम हमें बस ज्यादा सोचना नहीं है डायरेक्ट जो पता है लगा देना है इधर उधर का नहीं सोचना क्यों क्योंकि हमें इसमें कुछ चीज प्रूव नहीं करनी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करना है सो so, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट कीजिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के